ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर बाराबंकी से है, जहां डॉक्टर निरंतर समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे वे गांव में हो या फिर शहरों में। उनका लक्ष्य हमेशा लोगों की बीमारियों का उपचार करना होता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखना है। बता दें कि डॉक्टर ना केवल रोगी को चिकित्सा सेवा प्रदान करते हैं, बल्कि उनका कार्य जागरूकता फैलाना और समुदाय को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में सिखाना भी होता है। जी हां, आपको बताते चलते हैं कि जनपद बाराबंकी के जिले में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में झोला छाप का कारोबार फल फूल रहा है। झोला छाप गंभीर बीमारियों में लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं कार्रवाई के नाम पर जिले में इस साल करीब 100 से अधिक झोला छाप को चिन्हित किया गया है, जिसमें झोला छाप डॉक्टरों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। वहीं पिछले साल विभिन्न झोला छाप डॉक्टरों को चिन्हित किया गया था, जिसमें विभिन्न के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। आयुष्मान से संबंधित अस्पताल है, जहाँ पे आपको सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, गायनी से संबंधित इलाज किए जाते हैं। ये आयुष्मान से संबंधित है, प्राइवेट मरीज दोनों लिए जाते हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र में भी है कि यहाँ सिर्फ आयुष्मान के ही पेशेंट लिए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आयुष्मान के ही मरीज लिए जाते हैं और प्राइवेट अस्पताल के प्राइवेट मरीज भी लिए जाते हैं। उनका भी हम लोग न्यूनतम दर पर सिर्फ दवाइयों के बेड चार्ज हम लोग माफ़ कर देते हैं, क्योंकि जनता इस समय ऐसी नहीं है कि ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन अफोर्ड कर सके, ज़्यादा हायर कंसल्टेशन अफोर्ड कर सके, तो हम बेड चार्ज भी माफ़ कर देते हैं। दवाइयों को भी कंसेशन हम कर देते हैं, कंसल्टेशन पे भी कंसेशन कर देते हैं। हायर कंसल्टेंसी की जहाँ जॉब पड़ती है, तो हमारे लारी से भी डॉक्टर, के जेम से भी डॉक्टर, मेदांता से भी डॉक्टर और बड़े बड़े अस्पतालों से डॉक्टर हमारे ऑन कॉल या फ़ोन पे अवेलेबल रहते हैं हायर कंसल्टेंसी। जिस तरीके से सर जो देखा जा रहा है जनपद बाराबंकी में, झोला छाप डॉक्टरों के लिए कई लोगों की जान जनता के लिए जो चली गई है, उस जनता को आप अपना क्या संदेश ठीक देना चाहेंगे, कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? क्योंकि जनता के लिए तो यही है कि पहले रजिस्टर्ड डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, जो कम से कम प्रेस्क्रिप्शन लिख के अपना साइन कर सके कि हमने ये डायग्नोस किया है, आपको ये बीमारी है। कई बार पर्चे आते हैं जिस पे हाथ से लिखा रहता है, जिस पे क्या दवा चली, मरीज का क्या हिस्ट्री है, कुछ पता नहीं चलता है और गंभीर बीमारियों का इलाज करते रहते हैं। तो ऐसे जनता से यही पहला अपील है कि रजिस्टर्ड डॉक्टर से कम इलाज कराएं, ताकि उनको एक अपना मेडिकल बैकग्राउंड मालूम रहे कि हमको ये था, जैसे हुआ है और हमारा ट्रीटमेंट इस लाइन में जा रहा है। और अगर हमारे अस्पताल की बात करेंगे तो हम कंसल्टेशन की अभी न्यूनतम 100 रुपये पर रखे हुए हैं और मेडिसिन पे 30% की डिस्काउंट है। सर्जरी पे भी हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं बेड चार्ज माफ़ करके 14,000 के अंदर सारी सर्जरी करा दिया जाए प्राइवेट का। आयुष्मान करो, सब कुछ फ्री है।